बिकरी और लुंगड़ी की कहानी लुंगड़ी की चालाकी की एक दास्तान। एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक चालाक लुंगड़ी और एक अकलमंद बिकरी रहती थी। गर्मियों के एक दिन उन्होंने अपने आप को एक गहरे तेज बहने वाले दरिया के मुखालिफ किनारों पर पाया। वो दोनों प्यासे थे और दूसरी तरफ जाना चाहते थे। लुंगड़ी फुर्तीली और चालाक थी। इसने बिकरी से कहा, अरे दोस्त, मुझे दरिया के दूसरी तरफ हरी भरी घास और मीठे बीर के साथ एक खूबसूरत घास का मैदान मिला है। तुम क्यों नहीं आते हो मेरे साथ और हम मिलकर इससे लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। बिकरी एक लज्जत भरे घास के मैदान का सुनकर जाने के लिए आमादा हो गई, लेकिन एक मसला था, इनमें से कोई भी तेज धारे में तीर नहीं सकता था। लुंगड़ी ने एक चालाक मुस्कुराहट के साथ मशवरा दिया, मेरे पास एक हल है, मैं अपने जिस्म के साथ एक पुल बनाऊंगी और तुम मेरे पास से दूसरी तरफ चल सकती हो। भरोसा करने वाली बिकरी ने सोचा कि यह बहुत अच्छा ख्याल है और उसने इस मंसूबे पर इत्तफाक किया और लुंगड़ी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। चुनांचे लुंगड़ी ने अपने जिस्म के साथ एक आजी पुल बनाते हुए खुद को खड़ा किया। बिकरी एहतियात से लुंगड़ी की पीठ के पार चलने लगी। जैसे ही बिकरी दरिया के बीच में पहुंची तो लुंगड़ी शरारती होकर अचानक पलट गई और बेख्याल बिकरी को पानी में फेंक दिया। बिकरी दरिया के बहाव में छलकते हुए तैरते रहने के लिए जिदोजहद करती रही। लुंगड़ी दूसरी तरफ जाके हंसी और कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें ज्यादा समझदार होना चाहिए था, कभी भी लुंगड़ी पर भरोसा ना करो। बेचारी बिकरी बगैर सोचे समझे किसी पर अंधा भरोसा करने के नतीज को समझते हुए थकी हुई और तीरती हुए दरिया से निकलने में कामयाब हो गए। जैसे ही भीगती बिकरी ने मुखालिफ किनारे पर अपना रास्ता बनाया, उसने मायूसी और शर्मिंदगी महसूस की। ताहम नाराजगी को बरकरार रखने के बजाय बिकरी ने इस तजुर्बे को सबक के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। दिन गुजरते गए और चालाक लुंगड़ी जंगल में अपने चालाक तरीके जारी रखे। बिकरी दरिया के वाकये के बाद दूसरे जानवरों के साथ अपनी बातचीत में ज्यादा मोहतात और समझदार बन गई। एक दिन भेड़ियों का एक गिरोह लुंगड़ी के पास पहुंचा, जो जंगल में घूमने फिरने और खुराक का एक काबिल एतिमाद जरिया तलाश करने के लिए रहनुमाई की तलाश में था। लुंगड़ी जो हमेशा हालात से फायदा उठाने के लिए बेचैन रहती थी, लुंगड़ी ने एक मंसूबा बनाया। इसमें भेड़ियों से एक बहुत ज्यादा शिकार मिलने के लिए एक शॉर्टकट का रास्ता बताया, उन्हें एक गहरे दरिया के बारे में खबरदार किया जिसे उन्हें उबूर करने की जरूरत होगी। भेड़ियों को अलबत्ता बिकरी और लुंगड़ी की कहानी याद थी। उन्हें शक हुआ और उन्होंने खुद ही नाम निहाद शॉर्टकट की छानबीन करने का फैसला किया। उनकी हैरत की वजह से उन्होंने दरियाफ्त किया कि लुंगड़ी की मालूमात गुमराहकुन थी और शिकार करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं था। लुंगड़ी की फेब काराना फितरत को भांपते हुए भेड़िया जंगल में वापस आ गए और दूसरे जानवरों को लुंगड़ी की चालों से खबरदार किया। लुंगड़ी बेचारी छुप कर अपनी चालाकी की दास्तान सुन रही थी। होशियार लुंगड़ी की जात को नुकसान पहुंचा और उसकी चालाकियों का असर कम होता गया, क्योंकि जानवर ज्यादा मोहतात हो गए और अपने फैसले पर भरोसा करना सीख गए। आखिर में बिकरी की अपने तजुर्बे से मुआफिकत और सीखने की सलाहियत ने इसे जंगल में इज्जत हासिल करने में मदद की, जबकि लुंगड़ी जो धोखे पर भरोसा करती थी, खुद को अलग थलग और बदएतमादी का शिकार पाया। कहानी न सिर्फ मोहतात रहने की अहमियत को उजागर करती है, बल्कि माजी की गलतियों से सीखने और मुस्तकबिल में दानिशमंदाना फैसले करने के लिए इस इल्म को इस्तेमाल करने की अहमियत को भी उजागर करती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बुरा कर्म सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मौसूल हों। अब आपसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट कहानी में मुलाकात होगी। अब तक के लिए अलविदा।